नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीकॉम सेकंड ईयर वालों के लिए हो जाता है मॉडल पेपर 2022 का। भाई क्या रहने वाला है अपना, ये रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में, मतलब औद्योगिक कानून का यहां पर रहने वाला है 2022 का मॉडल पेपर। क्या रहने वाला है भाई, 2022 का मॉडल पेपर रहने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन से यहां पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब 100% मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं नहीं, 100% मिलने वाले हैं। बस यही क्वेश्चन याद करना है, बाकी क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखते हैं मॉडल पेपर के अंतर्गत कौन कौन से हमारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं, जो 2022 में आने वाले हैं, मतलब छप रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। क्वेश्चन नंबर वन को देखो, कारखाना शब्द को परिभाषित करना है तथा इसके लक्षण कारखाना अधिनियम 1948 था उसके अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण के बारे में तथा कार्य संबंधी प्रावधानों के बारे में आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, ठीक है, छपने वाले हैं ये क्वेश्चन, छप रहे आपके एग्जाम में, पढ़ लो फटाफट, वरना फिर गाड़ी निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उनका वर्णन कर दो भाई। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो श्रमिक होते हैं उनके बारे में बताना रखे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा बन जाता है, औद्योगिक संघर्ष क्या होता है, इसके कारण बताना है, इसका उल्लेख करना है, हड़ताल और तालाबंदी के बारे में आपको बताना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मॉडल पेपर का थर्ड वाला भी, ठीक है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, बस इनको टिक कर लो अपने बुक में या फिर किसी भी चीज लेके आयो, सीरीज लेके आयो, टिक कर लो भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस यही पढ़ना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है तुम्हारा लोकोपयोगी में हड़ताल तथा तालाबंदी पर आपको क्या करना है, प्रतिबंध लगाए, क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं ये आपको बताना है, किन किन पर, ध्यान से देखना है, लोकोपयोगी के हड़ताल तथा तालाबंदी पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे प्रकार से। गुण दोष भी पूछ सकता है और इनमें अंतर भी पूछ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, किसने की, याद कर लो, उसके गठन के बारे में शक्ति और कर्तव्यों की विवेचना भी आपको करना है, इसके क्या क्या कर्तव्य हो जाते हैं। आगे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का कौन सा रहने वाला है, अंशदान क्या होता है, अंशदान के भुगतान नियमों की आपको व्याख्या करना है, अंशदान होता क्या है, इसके अंशदान के भुगतान नियमों की व्याख्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का कौन सा रहने वाला है, बात करते हैं आंशिक अयोग्यता तथा पूर्ण अयोग्यता क्या है, दोनों में अंतर बता दो, गुण दोष लिख दो इनके, ठीक है, गुण दोष अंतर बात एक ही हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बात करते हैं क्वेश्चन की नियोक्ता का दायित्व, नियोक्ता का दायित्व होता क्या है इसके बारे में बताना है, नियोक्ता का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, कब उत्तरदायी नहीं होगा यह आपको बताना है, क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता, वेरी इंपोर्टेंट है, हेडिंग डालकर लिख लेना अच्छी प्रकार से। बात करते हैं यहां देखो इसी का है कि नियोक्ता कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, नियोक्ता कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो आया था 1923 के अंतर्गत कामगार की क्षतिपूर्ति के बारे में आपको बताना है, ठीक है, इसका दायित्व बताना है, मतलब इसके बारे में बताना है, तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है मॉडल पेपर का, तो बात करते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कमिश्नर की नियुक्ति तथा शक्तियों के संबंधित प्रावधानों की व्याख्या आपको यहां पर करना है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में हमारा आने वाला क्वेश्चन हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद प्रक्रिया को समझाइएगा, अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद प्रक्रिया को समझाना है तथा परिभोगी के सामान्य कर्तव्य भी आपको बता देना है, जो परिभोगी होते हैं उनके सामान्य कर्तव्य क्या होते हैं, हेडिंग डाल डाल कर लिखना, नंबर ज्यादा मिलेंगे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्या रहने वाला है, श्रमिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के जो उद्देश्य थे इनको भी आपको यहां पर बताना है। श्रमिक क्या है, अरे श्रमिक काम करने वाला है, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा, इसकी विशेषताएं लिख दीजिएगा, और औद्योगिक विवाद अधिनियम जो आया था उसके उद्देश्य बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्या रहने वाला है, समझौता बोर्ड के कर्तव्य आपको बताना है, समझौता बोर्ड जो है उसके कर्तव्य बता दो, इसकी कार्य समिति तथा समझौता बोर्ड में आपको विभेद बताना है, अंतर भी यहां पर
बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्या रहने वाला है? हड़ताल तथा तालाबंदी के लक्षण ऊपर बता रखे हैं, सेम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर गुणदोष ही पूछ रखे हैं। फिर देखा है किन दशाओं में हड़ताल अवैध घोषित की जाती है, यह अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्या हो जाता है? छांटनी क्या है, कारण भी बताइए, छांटनी होता क्या है, इसके कारण भी बताना है। बस श्रम न्यायालय क्या है, इसके कार्य बताओ। छांटनी क्या है, इसके आपको कारण बताना है। श्रम न्यायालय क्या है, इसके कार्य बताना है। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट है भाई, है एक ही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मॉडल पेपर का क्या रहने वाला है। तो यहां देखते हैं श्रम संघ क्या होता है, श्रम संघ जो है वह क्या होता है, इसकी विशेषता है, इसके उद्देश्य आपको लिखना है, और निकटतम नियोक्ता क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का रहने वाला है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आया था वो है क्या, इसका उद्देश्य भी आपको बता देना है। ठीक है, बात करते हैं प्रसूति, जो प्रसूति मतलब मातृत्व लाभ पर आपको क्या करना है भाई, टिप्पणी लिखना है, तथा कर्मचारी बीमा न्यायालय भी बताना है। जो कर्मचारी बीमा न्यायालय है वो है क्या, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बता अपना स्थायी समिति क्या होती है, उसके अधिकारों को आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कर्मचारी राज्य बीमा कोष में अंशदान से संबंधित प्रावधान का संक्षेप में आपको उल्लेख करना है। तो बस इतने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, बस यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बाकी क्वेश्चनों को नहीं देखिएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को देख लो, आपका नैया पार हो जाएगी, टॉपर हो जाओगे 2022 के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, टॉपर हो जाओगे। हेडिंग डालकर क्वेश्चनों को लिखना, नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, हेडिंग बहुत फोकस करती है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोगों को क्या करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट सभी लोगों को ले लेना है और अपनी बुक पर क्या करना है भाई, लगा देना है ना, अपनी बुक पर लगा देना है और पढ़ लेना है कि हाँ भाई 2022 का मॉडल पेपर, मतलब यही पेपर आने वाला है अपने एग्जाम में। तो भाई पेपर हैकर, मतलब पेपर को हम यानी यहां पर हैक कर रखा है। आप भी पेपर को एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या करना है, हैक करके आना है। ठीक है, हैक करके आना है, कॉपी के लिए एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे और एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, सब पढ़ लेना। ठीक है, 2022 मॉडल पेपर दे दिया है, फिर मत कहना कि मॉडल पेपर दिया नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पढ़ लो फटाफट, लगा लगा कर टिक, और फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मॉडल पेपर आपके लिए यही मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।